माननीय मुख्यमंत्री के लिए लिखा गया है, जिसमें जो अक्टूबर में हर वर्ष जो खनन का कार्य शुरू हो जाना चाहिए था वो अब तक शुरू ना होने के कारण जो आक्रोश जनता के बीच में है, जो गरीब आदमी आज अपना मकान नहीं बना पा रहा है, आज जो 9 टन का जो वजन की वजह से जो रॉयल्टी नहीं, विशेष रूप से नदियां बंद है दे रहे हैं, विशेष सरकार द्वारा नदियों में खनन को है, परंतु सरकार द्वारा डेवलप करो, खनन की कार्रवाई शीघ्र आरंभ करो, रोक शीघ्र हटाओ, उत्तराखंड में खनन पर रोक शीघ्र हटाओ, उत्तराखंड में खनन पर रोक शीघ्र हटाओ, राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, गरीबों का शोषण बंद करो, उत्तराखंड। माननीय मुख्यमंत्री के लिए लिखा गया है, जिसमें जो अक्टूबर में हर वर्ष जो खनन का कार्य शुरू हो जाना चाहिए था वो अब तक शुरू ना होने के कारण जो आक्रोश जनता के बीच में है, जो गरीब आदमी आज अपना मकान नहीं बना पा रहा है, आज जो 9 टन का जो वजन की वजह से जो रॉयल्टी नहीं, विशेष रूप से नदियाँ बंद है दे रहे हैं, विशेष सरकार द्वारा नदियों में खनन को है, परंतु सरकार द्वारा डेवाला सहित उत्तराखंड की नदियों में खनन का चुगान अभी तक शुरू नहीं किया गया है, नदियों से खनन के कार्य को इसी महीने शुरू करने की कृपा करें। अक्टूबर को वो अब तक आज 25 दिन हो गए नहीं खुल पाई है, जिससे मैं समझता हूँ कि सरकार ना जाने कौन सी विचारधारा या कौन सी सोच से बैठी है कि जो राजस्व हमें इस उत्तराखंड प्रदेश में एक बहुत बड़ी आय राजस्व की नदियों से होती थी, खनन से होती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं जो आय के साधन है बहुत कम है, बहुत सीमित है, ये राजस्व बहुत बड़ा एक आय का साधन था नदियाँ, पर उसमें सरकार को समझ नहीं आ रही कि अभी तक वो ये नदियाँ क्यों नहीं खोल पा रही हैं, और नदियों की वजह से एक आम आदमी जो अपना भवन निर्माण, घर का निर्माण कर रहे थे, उनका काम रुक गया है, जून से नदियाँ बंद हैं, और मैं समझता हूँ कि खनन सामग्री अगर बाहर से हमें मंगानी पड़ती है कितनी महंगी। ब्लॉक के पदाधिकारी एक खनन के संबंध में ज्ञापन लेके यहाँ पर आए हैं, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय आज PM विजिट के चक्कर में एयरपोर्ट पर हैं, बिजी है, इसलिए इनका ज्ञापन मेरे द्वारा इनके प्रतिनिधि के रूप में लिया जा रहा है, और इस ज्ञापन को आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा।